तो उसके घर जाना, चलकर उसको इज्जत देना और उसको कहना कि हम मिलजुल के इस पाकिस्तान को संवारेंगे, ये सियासी तरबियत थी। और सियासी तरबियत ये थी कि साहब कहकर बुलाना और कहना कि इखलाक के दायरे के अंदर रहकर तनकीद की जाए, तनकीद बराए तनकीद ना की जाए, तनकीद बराए इसलाह की जाए, ये हमारे सियासी लीडर की तरबियत थी। और इसी तरबियत का नतीजा है कि जब पूरी पहली सफ को जेलों में डाला गया, ये बदतरीन फासिस्ट हुक्मरान था बानी चेयरमैन पीटीए, बदतरीन फासिस्ट हुक्मरान, माओ बहनों को जेलों में डालने की रिवायत इसने डाली। शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब की वालदा की मैयत पड़ी थी और जज कह रहा था मैंने जिरा करनी है, मुझे ऑर्डर आया है शहजाद अकबर का, इमरान न्याजी का, और इसने रिवायत डाली कि जेलों में खाना बंद कर दो, जेलों में सहूलियात बंद कर दो, किसी की बहन को अस्पताल से रात को गिरफ्तार करवा दो, किसी बेटी को वालिद के सामने गिरफ्तार कर लो। ये रिवायात है जो इस मुल्क में डाली है, और ये वो रिवायात है जो इन्होंने सिर्फ अपनी, जो एक फैशिज्म का जहन था, जो इनके जहनी मामलात थे और जो एक इंतकाम की आग थी, उसको बुझाने के लिए ये रिवायत डाली हमारी। फिर भी ये रिवायत थी हमारी सियासी लीडर की तरबियत की, नहीं हमने रिएक्ट नहीं करना। यही वजह है कि आधे लोग जेल में थे, शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा कि हम इस आके मईशत करने को तैयार हैं। पता था कि जेलों में डाला जा रहा है, पता था कि केसेस बनाए जा रहे हैं, ये प्ले करनी है दोनों अभी डाउनलोड कर, पता था कि केसेस बनाए जा रहे हैं, पता था जेलों में डाला जा रहा है, बदतरीन इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है, फिर भी कहा नहीं हम खड़े हैं मुल्क के लिए, आप जुल्म कर रहे हैं, हम मिसाके मईशत आपके साथ करने को तैयार हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाने को तैयार हैं। ये हमारी सियासी तरबियत थी और ये हमें सबक सिखाया गया था कि मुल्क की खातिर सियासी मुखालफत को सियासी दुश्मनी में तब्दील ना करना, और हमें यह सबक सिखाया गया था कि सियासी मुखालिफ की खुशी गमी में शरीक होते हैं। हमें किसी ने नहीं कहा था कि सियासी मुखालिफ की कोई गम हो तो उसमें शरीक मत होना, वो एक और तरबियत किसी ने दी थी एक और पार्टी को कि इनको शादियों पे कोई नहीं बुलाएगा, इनके गम में कोई नहीं जाएगा, क्योंकि उनके नज़दीक सियासी मुखालफत शायद दुश्मनी होती है, हमारे नज़दीक नहीं होती। हमें तो बचपन से ये सिखाया गया कि सियासी मुखालिफ के घर गम हो तो सबसे पहले वहां पहुंचो, और इसका हम अमली मुजाहरा करते रहे। मगर बदकिस्मती है कि शायद हमारी अच्छी तरबियत को, शायद हमारे ये जो मामलात थे जिनमें हम अफहाम तफहीम से काम ले रहे थे, दानिशमंदी का सबूत दे रहे थे, तहम्मुल मिजाजी से काम ले रहे थे, बुर्दबारी से काम ले रहे थे, हमारी इस पेशेंस को और हमारी इस दानिशमंदी को शायद कमजोरी समझा गया, समझा गया कि शायद ये तो कुछ कर नहीं सकते, तो बड़े कमजोर लोग हैं, ये तो अच्छी बात करते हैं आगे से, ये तो चोर डाकू के नारे नहीं लगाते, ये तो दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, ये तो तिमारदारी में बिलीव करते हैं, ये तो फातिहा खानी कहने में बिलीव करते हैं, ये लोगों के साथ रवादारी और रवाबत बढ़ाने में यकीन रखते हैं, तो ये तो पता नहीं किस किस्म के लोग हैं, तो ये कमजोर लोग हैं, इनको गाली दो, जहां एक देते हो वहां चार दो, ये इसी काबिल हैं कि इनको गालियां दी जाएं। और वही गालम गलोज का कल्चर जिसने सोसाइटी में तकसीम पैदा की, माशरे के अंदर भाई को भाई से लड़ाया, बाप को बेटे से लड़ाया, मां को बेटी से लड़वाया, घरों के अंदर आग लगाई और कहा कि मैं वो हूं कि जिसके पैरोकार अपने बाप की नहीं सुनते। कुरान का क्या हुक्म है, अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि उफ ना कहो जब बूढ़ी एज में पहुंच जाए आपके वालदैन। इधर कहा जा रहा है वो जी ये बाप की नहीं सुनते, ये नस्ल मैं परवान चढ़ा रहा हूं, और कहा गया कि खवातीन की हद की इज्जत करो स्टेज पे चढ़ के, कंटेनर पे चढ़ के, और इस्लामी टच दो, इस्लाम को इस्तेमाल करो अपनी सियासी मकासद के लिए। और फिर समझा गया कि ये शायद कुछ कर नहीं सकते, ये तो कमजोर लोग हैं, ये तो आगे से फिर भी इखलाक के दायरे में रहकर बात करते हैं, तहजीब व तमद्दन के दायरे में रहकर बात करते हैं। तो ये वो रविश है जो पिछले कई सालों से रवा दवा है, और 2014 के धरनों से लेकर आज तक एक मखसूस जहनीत है जिसको परवान चढ़ाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि बड़ा क्लियर है, अभी हाल ही में लंदन की एक डिनर की तस्वीरें आई हैं जिसके अंदर एक इजरायली बिलियनर बैठा है, जैन कुरैशी साहब तशरीफ फरमाए, मेरे दोस्त हैं, मैंने कहूंगा वजाहत करें कि वो इजरायली बिलियनर आपके साथ क्या कर रहा था, अनिल मुसरत साहब वहां मौजूद हैं,
साहेबजादा चीकू साहब जो बाहर के मामला देखते हैं वो वहां मौजूद हैं, तो भाई आपने ये क्यों बैठ के उसके साथ डिनर किया इन हालात में जब फलस्तीन पर हमले हो रहे हैं, गजा में एक नस्ल कुशी जारी है फलस्तीनियों की? ये तो चले मामलात हैं ना कि जैक गोल्डस्मिथ की आप कैंपेन चलाते हैं, आपकी मर्जी है आपने किस लॉबी को बाहर सपोर्ट करना है, मगर हमारी बुर्दबारी, हमारे तहमल, हमारी दानिशमंदी को जो कमजोरी समझा गया है, आज मैं इसका भरपूर जवाब देना चाहता हूं और बिल्कुल क्लियर अनएम्बिगुअस वर्ड्स में देना चाहता हूं कि नो मोर, बहुत हो गया इस मुल्क के साथ खिलवाड़। इस मुल्क की मईशत ने अगर आगे चलना है, इस मुल्क के लोगों ने अगर तरक्की करनी है, इस मुल्क की नौजवान नस्ल को अगर रोजगार के मौके मिलने हैं, इस मुल्क ने अगर तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़े होना है, तो पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। मैं बिल्कुल आपको क्लियर करता हूं और उसकी वजूहत हैं। मैं तसल्ली से एक एक पॉइंट पर रोशनी डालूंगा और आपको आगाह करूंगा कि वो क्या वजूहत हैं। सबसे पहली बात ये कि जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जिसमें तासर ये है कि बिन मांगे रिलीफ दिया गया है, तहरीक इंसाफ कहीं पर पार्टी नहीं थी, उनके मेंबरान ने नहीं कहा कि हम तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं, सब ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एफिडेविट जमा कराया है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की है, मगर एक मसला था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मैनिफेस्टो ये कहता है कि कोई गैर मुस्लिम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मेंबर नहीं हो सकता, इसलिए माइनॉरिटी सीट मिल नहीं सकती थी। तो इतना बड़ा जो रिलीफ मिला है, तासर ये है कि बगैर मांगे मिला है, वो चीजें उस पिटिशन में ही दर्ज नहीं थी जो दी गई हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो नहीं कराए गए, ये फैक्ट है। कहीं पे उन एमएनएज ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये नहीं कहा कि हम तहरीक इंसाफ ज्वाइन करना चाहते हैं या हमारा निशान बहाल किया जाए या पार्टी को बहाल करार देकर हमें वक्त के धारे को वापस मोड़ के उस पार्टी की सफ में खड़ा किया जाए, ये किसी ने नहीं मांगा था। कानूनी जो सुकम है इस जजमेंट के अंदर उसको देखते हुए हुकूमती पार्टी और उसकी इत्तेहादी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रिव्यू दायर करने का फैसला किया है। ये रिव्यू हम दायर करने जा रहे हैं और जो कानूनी सुकम है, जो कानूनी कमजोरियां हैं, और देखिए ये हमारी बात या आपकी बात नहीं है, बात ये है कि एक ऐसा फैसला आया है जो प्रेसिडेंट बनना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अगले फैसले क्यामत वाले दिन अल्लाह ताला की अदालत में होने हैं। तो हम ये समझते हैं कि हम ये रिव्यू दायर करने में हक बजानेब हैं, और वो ख्वातीन और माइनॉरिटीज के मेंबर्स जिनकी हक तलफी हुई है, जिनको सुना नहीं गया, जिनकी लीगल आर्ग्यूमेंट्स को वेट नहीं दिया गया, वो ये समझते हैं कि ये रिव्यू दायर करना लाजिम है। तो ये हुकूमती इत्तेहाद की सियासी जमातें और हुकूमती जमात ये रिव्यू दायर करेगी और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिन 80 या उससे जायद जो एमएनएस को रिलीफ दिया गया है, क्या वो अदालत के सामने मौजूद थे, क्या उनका एफिडेविट मौजूद था, क्या उन्होंने ये रिलीफ मांगा था जो उनको रिलीफ दिया गया है, क्या इलेक्शन एक्ट 2017 की शिकों को कुलदम करार दिया जाए, क्या आइन को बालाए ताक रख दिया जाए और आइन की शिकों पर अमल ना किया जाए, क्या आइन की तशरीह करना और आइन में तरमीम करना क्या पार्लियामान का इख्तियार नहीं है, क्या ये इख्तियार पार्लियामान को नहीं हासिल कि वो आइनी तरमीम भी कर सके, वो कानून में भी तरमीम कर सके, क्या ये फैसला कर लिया गया है कि आइन जो मर्जी कहे, एक पॉलिटिकल पार्टी को ये हक दिया जाएगा जो वो हक नहीं रखती? तो हम ये समझते हैं कि आइन के हवाले से, हमारे पास आईनी शिकों के हवाले से बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मौजूद हैं इस नसरसानी की दरखास्त के लिए, तो इसलिए ये दरखास्त जो है ये दायर की जा रही है। और जैसे मैंने कहा कि हमारी बुर्दबारी, हमारे तहम्मुल और हमारी दानिशमंदी को शायद कमजोरी समझा जाता है, हमारे अखलाक को शायद कमजोरी समझा जाता है, तो मैं ये बिल्कुल क्लियर कर दूं कि हुकूमत ये इरादा रखती है कि जिन्होंने, जिस सियासी जमात ने इस मुल्क के अंदर फॉरेन फंडिंग ली और उस फॉरेन फंडिंग का इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया और ये कहा कि आपने ममनुआ फंडिंग ली है ममनुआ जराए से,
اور اس کے اندر واضح طور پر ثبوت موجود ہیں کہ اس میں بھارتی نژاد امریکی شامل ہیں، جس میں امریکہ میں ایسے لوگ شامل ہیں جو ایک مخصوص لابی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی فنڈنگ آئی ہے، ووٹون کرکٹ کلب کے معاملات ہیں۔ تو یہ فورن فنڈنگ کا فیصلہ آپ کے خلاف آیا ہے اور آپ 6 سال سٹے آرڈر کیوں لیتے رہے؟ آپ نے الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا، سٹے آرڈر پہ سٹے آرڈر لیا، 6 سال اس مقدمے کو تاخیر کا شکار کیا کیونکہ آپ کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ تو یہ جو فورن فنڈنگ آپ نے لی ہے، کوئی بھی سیاسی جماعت کو کوئی فنڈنگ کرتا ہے تو وہ اس نظریے سے کرتا ہے کہ یہ جماعت جب برسر اقتدار آئے گی تو یہ کچھ ایسے فیصلے کرے گی جو اس فنڈنگ کرنے والی لابی کے حق میں ہوں گے۔ تو آپ بتائیے نا، جو باہر بیٹھے ہیں اور ہم تمام لوگوں کا احترام کرتے ہیں، تمام ممالک کا احترام کرتے ہیں، بٹ کچھ ممالک میں موجود جو چند لابیاں ہیں جس میں اسرائیلی فنڈنگ نظر آتی ہے، جس میں بھارتی نژاد امریکی نظر آتے ہیں، ان سے جو فنڈنگ آپ کو آئی ہے آپ اس کا دفاع کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ تو یہ جو فورن فنڈنگ ہے، جس کا کیس آپ کے خلاف آ چکا ہے فیصلہ، اور آپ اپنے دفاع میں کچھ نہیں کہہ سکے، ووٹون کرکٹ کلب کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس میں بھی آپ کے پاس کوئی دفاع نہیں تھا، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں، آپ نے ذاتی طور پہ وہ پیسے استعمال کیے ہیں، جرم ثابت ہے۔ تو یہ فورن فنڈنگ کا معاملہ ہو، اور 9 مئی کو جو اس ملک میں معاملات کیے گئے اور آپ نے ملکی دفاع پر ذاتی مفاد کے لیے حملہ کیا، آپ کا پورا خاندان اس حملے میں ملوث تھا، آپ کی تینوں بہنیں کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھیں، آپ کے لیڈران کو، یہ ویڈیو چلا دیں ساتھ ساتھ قوم کو دکھائیں، یہ جو پی ٹی وی کے حملے سے معاملات شروع ہوئے تھے یہ کہاں تک پہنچے، آپ کا بھانجا وہاں پہ وردی کی بے حرمتی کر رہا تھا، آگے لگائی جا رہی تھیں اور قوم کو پیغام دیا جا رہا تھا کہ جی انقلاب برپا ہونے لگا ہے، تو فوری طور پہ جو ہے وہ اپنی اپنی لوکیشنز پر پہنچے، آپ نے انتشار کی، تشدد کی سیاست کو فروغ دیا، آپ نے اس ملک میں آئین کی خلاف ورزی کو فروغ دیا، آپ نے اس ملک کے دفاعی اداروں کو نقصان پہنچایا، اور اس ادارے کو نقصان پہنچایا۔ میرا ایک اور سوال ہے، آپ کے لیڈر دیکھے جا سکتے ہیں کہ وہ ان تمام لوکیشن پہ موجود ہے؟ کوئی کہہ رہا خان نہیں تو پاکستان نہیں، کوئی گالم گلوچ سے کام لے رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اپنی اپنی بتائی ہوئی لوکیشن پر پہنچیں، اپنے اپنے اہداف پر پہنچیں، کوئی کہہ رہا ہے جی ہم کور کمانڈر ہاؤس جا رہے ہیں، ہم جی ایچ کیو جا رہے ہیں، ہم فلاں لوکیشن پر جا رہے ہیں۔ تو یہ آپ کے رہنما نہیں تھے۔ اور یہ ایک چیز بڑی اہم ہے کہ یہ تمام معاملات جو آپ نے کیے، جلاؤ گھراؤ کے، آگ لگانے کے، انتشار کے، تشدد کے، اس سے پہلے آپ طالبان کو واپس لا چکے تھے، آپ کی ہی گورنمنٹ نے وہ فیصلہ کیا تھا، آپ کی گورنمنٹ تھی جس نے یہ طے کیا تھا کہ ان طالبان کو واپس لا کر بسایا جائے سیٹلڈ ایریاز کے اندر۔ ایک طرف آپ دہشت گردوں کو لا کر پناہ گاہیں دے رہے تھے اور دہشت گردوں کو سیف ہیون دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ اس ملک کی سالمیت میں کردار ادا کریں گے، اور نیشنل ایکشن پلان کو آپ نے ختم کر دیا۔ دوسری طرف آپ جی ایچ کیو پر حملہ، کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کر رہے تھے۔ اس بات سے کیا اخذ کیا جائے؟ مجھے یہ بتائیں، بطور پاکستانی، چھوڑ دیں کہ میں قومی اسمبلی کا ممبر ہوں، چھوڑ دیں اس بات کو کہ میں وفاقی وزیر اطلاعات ہوں، میں بطور پاکستانی آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو یہ کس نے اختیار دیا کہ پہلے آپ طالبان کو لا کر بسائیں سیٹلڈ ایریاز کے اندر، اور اس کے بعد، یہ بھی چلائیے گا جب میں بتاتا ہوں، اس کے بعد آپ ملکی سالمیت کی گارنٹی دینے والے ادارہ، ملک کی دفاع کرنے والے ادارے پر آپ حملہ آور ہو جائیں؟ آپ کا مقصد کیا ہے کہ ایک طرف آپ دہشت گردوں کو پناہ دے رہے ہیں، دوسری طرف آپ فوج پر حملہ کر رہے ہیں؟ تو یہ آپ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ملک دشمنی صاف ظاہر ہے، کسی سیاسی جماعت نے آج تک یہ نہیں کیا، لوگوں نے بڑا بڑا کچھ برداشت کیا، آپ کے دور میں برداشت کیا، میاں نواز شریف اپنی اہلیہ کو بسترے مرگ پہ چھوڑ کے آئے، ہمیشہ پاکستان کی بات کی، بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا۔ تو آپ کو اتنی کیا مصیبت تھی کہ پہلے دہشت گردوں کو واپس لے کر آتے ہیں، ہمارے جتنے آپریشنز ہوئے تھے اس کا اثر زائل کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ حساس تنصیبات پہ حملے کرتے ہیں، جی ایچ کیو پہ حملہ کرتے ہیں،
कोर कमांडर हाउस पे हमला करते हैं एक सोचे समझे मंसूबे के तहत, फॉरेन फंडिंग आपके पास है, यहूदी लॉबी आपको सपोर्ट करती है, आप वहां से फंडिंग लेते हैं, दहशतगर्दों को पनाह देते हैं और फौज पे हमला कर देते हैं। ये बड़ी क्लियर चेन है, इसमें कोई भाम तो नहीं है, पूरी कौम ने देखा इस चीज को। तो फॉरेन फंडिंग एस्टैब्लिश्ड, 9 मई के हमले एस्टैब्लिश्ड, दहशतगर्दों को वापस लाना एस्टैब्लिश्ड, ये सारी चीजें आपने इस मुल्क में की हैं। फिर एक साइफर का खेल रचाया गया इस मुल्क में, कहा गया कि अमेरिका ने धमकी दी है कि हम हुकूमत गिराने लगे, वो भी केस एक तगड़ा केस है आपके खिलाफ, नाकाबिले तर्दीद सबूत मौजूद है। चलाए जरा जहां पर इन्होंने कहा था कि हमने खिलवाड़ करना है इस मुल्क के साथ, हमने खेलना है साइफर के साथ सियासी बयानिए के लिए, और वो बिल्कुल क्लियर आपकी ऑडियो मौजूद है जहां पे आप कह रहे हैं हमने खेलना है इसके साथ। और मैं ये समझता हूं कि जो आपने साइफर के साथ खेला, झूठा बयानिया घड़ा, पूरी कौम के सामने साइफर लहराया और पूरी कौम को आपने एक झूठ के पीछे लगाया कि हम कोई गुलाम है, उसके बाद आपने वहां से रेजोल्यूशन पास करवाया, आपने क्या आपकी लॉबिंग फर्म्स वहां मौजूद नहीं थी कि आपकी लॉबिंग फर्म्स ने यह काम नहीं किया रेजोल्यूशन वाला, आप 9 महीने से इसकी फंडिंग नहीं कर रहे थे, ममनुआ फंडिंग नहीं कर रहे थे, तो आपने ये IMF वाला भी बाद में चलाएगा, मैं आ रहा हूं उस तरफ, मैंने आपको पहले कहा वो वाला चला दें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए वो फॉरेन फंडिंग हो, वो 9 मई के हमले हो, वो साइफर के साथ खेलना हो, यानी जो हमारे अमरीका में सफीर थे उस वक्त असद मजीद कह रहे हैं कि कोई थ्रेट नहीं था, जिन्होंने ये साइफर लिखा है जो साइफर के ऑथर हैं वो कह रहे हैं कोई थ्रेट मौजूद नहीं था, और आप कह रहे हैं नहीं थ्रेट मौजूद था, अदालत में गवाही दे दी गई, मगर आपने अपने सियासी मफाद के लिए मुल्क के बैन अल-अक़वामी सतह पे ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश की, मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और उसके बाद आपने एक रेजोल्यूशन पाकिस्तान के खिलाफ पास करवाया, जैसे भी करवाया फंडिंग करवाई, और फंडिंग करवा के आपने बाकायदा लॉबी हायर की जिन्होंने ये सारा काम आपके लिए किया और पाकिस्तान के खिलाफ एक रेजोल्यूशन आप ले आए। तो फॉरेन फंडिंग एस्टैब्लिश्ड, 9 मई के हमले एस्टैब्लिश्ड, साइफर का केस एस्टैब्लिश्ड, अमेरिका में रेजोल्यूशन एस्टैब्लिश्ड, तो हुकूमत ने ये फैसला किया है इन तमाम चीजों को देखते हुए, सबूतों को देखते हुए, वफाकी हुकूमत PTI को बैन करने के लिए केस मूव करेगी, तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि आईने पाकिस्तान के तहत आर्टिकल 17 है जो पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करने के हवाले से इख्तियार देता है वफाकी हुकूमत को, और ये सुप्रीम कोर्ट में मामला भेजा जाएगा। इन तमाम तर चीज़ों को, फॉरेन फंडिंग के फैसले को देखते हुए, 9 मई के हमलों को देखते हुए, साइफर वाली एपिसोड को देखते हुए, और अमरीका में जो आपने रेजोल्यूशन पास करवाया इसको देखते हुए, हम ये समझते हैं कि बहुत क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है के तरीके इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। आपने IMF की डील को जो सैबोटाज करने की कोशिश की, आपने उसको जिस तरीके से आप आगे लेकर चले, आपकी फोन कॉल मौजूद है, लगाएं जरा IMF के बारे में शौकत तरीन साहब क्या फरमाते हैं और क्या कहते हैं कि IMF को लेटर लिखा जाए कि पाकिस्तान की मदद ना करें, चलाइए जरा इस ऑडियो को, कौम को हम सुनाना चाहते हैं। और ये IMF को खत इसके माइक करीब कर देंगे ताकि सबको आवाज आ जाए। IMF को जो खत लिखा गया, और आपने जो IMF से तमाम सुबाई सुना दें जी, ये आप देखिए कि सियासी मफाद की खातिर कह रहे हैं कि IMF को लेटर लिखो, बंद करते हैं IMF को लेटर लिखो और पाकिस्तान को डिफॉल्ट करा दो, यानी सियासी मफादात की खातिर IMF को लेटर लिखने तक आप चले गए कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, यहाँ पे LC आना खुलें, लोग बैंकों से पैसा विड्रॉ कर लें, एयरलाइनें आना बंद हो जाएं और मुल्क दिवालिया हो जाए, ये आपकी कोशिश थी। ये आपने IMF के
प्रोग्राम को सैबोटाज करने की कोशिश की, और ये आईएमएफ के प्रोग्राम में आप गए थे, हम नहीं गए थे। आपने कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा, और उसके बाद आपके वजीर खजाना ने आईएमएफ को लेटर लिखवाने के हवाले से तमाम सूबाई वज़राए खजाना को कहा कि आईएमएफ को लेटर लिखो और कहो कि पाकिस्तान की इमदाद ना की जाए। आपने एक गरीब आदमी की रोजी रोटी पर लात मारने की कोशिश की, आपने ये कोशिश की कि इस मुल्क में अफरा तफरी हो, नफसा नफसी का आलम हो, और इस मुल्क में कभी भी इस मुल्क में स्टेबिलिटी ना आए और इस मुल्क में हमेशा इंतशार रहे। ये वीडियो बता दे साइड विंडो से। मैं ये समझता हूँ कि ये आईएमएफ के बाहर मुजाहरे करवाना, आईएमएफ को इस बात पे कायल करने की कोशिश करना कि पाकिस्तान की इमदाद ना करें, ये आपके मुल्क दुश्मन एजेंडे का हिस्सा था, और आपने भरपूर कोशिश की कि इस मुल्क दुश्मन एजेंडे पर अमल पैरा होकर आप मुल्क को दिवालिया करें। एक तरफ आप अब ये आप कड़ियां जोड़े ना जरा, दहशत गर्दों को वापस लाकर बसा रहे हैं, फौज पर हमला कर रहे हैं, फॉरन फंडिंग ले रहे हैं, आईएमएफ को कह रहे हैं पाकिस्तान की मदद ना की जाए, और बैरून मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करवा रहे हैं। ये किसी और सियासी जमात ने किया था तो आपने चौराहे में उनको लटका देना था। आज ये जब पांचों चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये तारीख का हिस्सा है, रिकॉर्ड का हिस्सा है। खान साहब ने कहा था ना मुजरा चला दें काइंडली, वो अभी चला नहीं है, अगर इसको काइंडली ऑन एयर भी कर दीजिए, जहां पर उन्होंने कहा कि हमने मुल्क का नाम लिए बगैर खिलवाड़ करना है, खेलना है साइफर के साथ, इसको जरा चला दें प्लीज, स्क्रीन पे भी दिखा दें जी प्लीज। सिर्फ खेलना है इसके ऊपर। आजम खान कह रहे हैं मीटिंग बुला लेते हैं इस पे, हमने सिर्फ खेलना है इसके साथ। ये आप देखें कि खान साहब की अपनी आवाज है और कह रही हैं कि हमने साइफर के साथ खेलना है। एक शख्स कोई खुद ही एतराफ कर रहा है, अदालत कह रही है नहीं 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 आप तो मासूम है, आपने तो किया ही कुछ नहीं है, वो खुद कह रहा है मैं खेल रहा हूं साइफर के साथ, मगर अदालत ये बात मानने से कासिर है। अब ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे बहुत सारी ट्वीट्स की जाती हैं जिसमें गालियां दी जाती हैं लोगों को, हम समझते हैं, इज्जत एहतराम करते हैं, लोग प्रेशर में भी आते हैं, हम ये देख रहे होते हैं, और दबाव भी होता है सोशल मीडिया का। मैं एक साहब ने मुझे एक दफा खुद कहा कि जी सोशल मीडिया की हम ट्वीटें देखते हैं और बड़ा इसका दबाव होता है। तो ये आपने खुद कहा कि साइफर के साथ खेलना है, तो तमाम जवाब भी मौजूद है, जस्टिफिकेशन भी मौजूद है कि तहरीक इंसाफ को बैन करने का केस जो है वो मूव किया जाए। आगे आइए, आपने आईन की खिलाफ वर्जी करते हुए असेंबलियों को तोड़ा था नो कॉन्फिडेंस के दौरान, जरा कासिम सूरी साहब, इसके स्टे ऑर्डर वाले कासिम सूरी साहब जो 4 साल स्टे ऑर्डर पे असेंबली में बैठे रहे, डेप्टी स्पीकर की कुर्सी पर विराजमान रहे, वो कासिम सूरी साहब जिन्होंने असेंबली तोड़ी, जरा चला दें फुटेज प्लीज, आपके पास होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यह आईन की खिलाफ वर्जी है, आईन में यह बात बड़ी वाजे दर्ज है, कानून ने जो नुकात उठाए वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि इसमें इत्मीनान की करारदात आइन और कौमी मुख्तारी व आजादी से मुनाफी है और रूल्स और जाब्ते के खिलाफ है, ये करारदात में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं, विमान की कार्रवाई आइन कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। असेंबली तहलील नहीं की जाएगी, आपने आइन की खिलाफ वर्जी, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने भी हवाला दिया कि आपने ये गलत काम किया था कि आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन के होते हुए असेंबलियों को तहलील किया, तो हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तब के सदर आरिफ अलवी, तब के वजीर आजम इमरान न्याजी और तब के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाए, और ये आर्टिकल 6 का रेफरेंस जो है ये भी काबीना से मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। और हम ये समझते हैं कि ये तारीख की सिमत जो है उसका दुरुस्त तयन होना चाहिए, और तारीख का दुरुस्त होना बहुत जरूरी है कि कल को जिसका दिल चाहेगा वो फॉरेन फंडिंग भी लेगा, जिसका दिल चाहेगा असेंबली भी तोड़ेगा, जिसका दिल चाहेगा वो दहशत गर्दों से भी मिलाप करेगा, जिसका दिल चाहेगा वो आईएमएफ की डील को सैबोटाज करेगा, जिसका दिल चाहेगा
وہ اپنی فوج پر حملے بھی کرے گا. تو یہ جو جرائم کی فہرست ہے یہ اتنی بڑی ہے کہ آپ اسمبلی توڑتے ہیں اور آپ کو کوئی نہیں پوچھتا اور آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں. تو ان تینوں اشخاص کے خلاف یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم پروسیڈنگز چلائیں گے اور کابینہ سے منظوری کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ کو ریفر کیا جائے گا. اب میں اس طرف آتا ہوں کہ ہمارے جو محنت کاش, ہمارے جو مزدور, ہمارے جو باہر رہنے والے تارکین وطن ہیں, اوورسیز پاکستانیز ہیں, بڑے محنتی لوگ ہیں, وہ روزی روٹی کما کے اس ملک کی ریمیٹنسز میں اضافہ کرتے ہیں, اس ملک کو ٹیکس ادا کرتے ہیں, اس ملک کی خوشحالی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں, مگر کچھ مخصوص لابیاں وہاں موجود ہیں بیرون ملک جو نہ صرف پاکستان مخالف ایجنڈا چلاتے ہیں, وہ باقاعدہ سیپریٹس موومنٹس کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف سازشیں کرتے ہیں, وہ وہاں سے فنڈنگ ممنوع سورسز سے لیتے ہیں, وہ پاکستان کے اداروں کے خلاف, پاکستان کی سالمیت کے خلاف کیمپینوں میں انوالو ہوتے ہیں, اور یہ الیٹ آف دی الیٹ ہے. جس طرح میں نے بتایا ابھی ایک پیچھے لنچ یا ڈنر ہوا جس میں زین قریشی صاحب تھے اور وہ ایک اسرائیلی عرب پتی وہاں موجود تھا جو اسرائیلی آرمڈ فورسز کی بھی فنڈنگ کرتا ہے, وہ میں ابھی تصاویر بھی آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. تو یہ مجھے بتائے نا کہ یہ باہر بیٹھ کے کیا کرتے ہیں. ہمارے جو بلو کالر والے, وائٹ کالر والے جو وہاں پہ جابز کرتے ہیں, زر مبادلہ بھیجتے ہیں, جو محنت کش ہیں, مزدور ہیں, جو بینکرز ہیں, انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ہمارے سروں کا تاج ہیں, مگر مخصوص لابیاں وہاں پہ پاکستان کے خلاف سازش میں مصروف عمل ہیں. حکومت نے ان کے خلاف تادیبی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے, سخت ترین قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. قانون کے مطابق اگر بنتا ہوا تو پاسپورٹ بلاک کرنے پڑے, آئی ڈی کارڈ بلاک کرنے پڑے, یہ تمام اقدامات اٹھائے جائیں گے اور اسمبلی میں ایک ریزولوشن پاس کی جائے گی اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کے خلاف کہ یہ غداری کے مرتکب ہیں جو پاکستان سے باہر بیٹھ کر فنڈنگ لیتے ہیں ممنوع سورسز سے, پاکستان کے خلاف کیمپینز چلاتے ہیں, پاکستان میں سیپریٹسٹ موومنٹس کو فنڈ کرتے ہیں اور پاکستان کو توڑنے کے خواب دیکھتے ہیں. تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ سخت ترین قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے. اور دیکھیے, میں نے پہلے کہا ہم نے تحمل کا مظاہرہ کر کے دیکھا, بردباری کا مظاہرہ کر کے دیکھا, ہم نے کہا دانش مندی سے کام لیا جائے, ان تمام چیزوں کو ہماری کمزوری سمجھا گیا بدقسمتی سے کہ یہ تو بڑے کمزور ہیں, ان کو جیلوں میں ڈالو تو یہ کہتے ہیں مساق معیشت کر لو ہمارے ساتھ, ان کی ماؤں بہنوں کو جیلوں میں ڈالو تو یہ کہتے ہیں کہ کشمیر پہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں, آؤ بیٹھ کے مل کے بات کرتے ہیں, یہ ملکی سالمیت کی بات کرتے ہیں, پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہیں, کہاں سے اترے ہیں. تو ان کو گالی دو, ان کو چور ڈاکو کہو, اور اپنے جب کرتوت نکلے تو پھر اربوں روپے کے توشہ خانہ کے تحائف ہیں. اب چیئرمین نیب کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, پوری ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے, کیونکہ چیئرمین نیب نے کسی بزنس مین کو ٹارگٹ نہیں کیا, انہوں نے کسی ایز آف بزنس کو پروموٹ کیا اس ملک کے اندر. اور اب صورتحال یہ ہے کہ اب پریشر ڈال رہے ہیں کہ نیب جو ہے وہ توشہ خانہ کے کیسز سے پیچھے ہٹ جائے. یہ پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہیں جو مادر پدر آزاد ہیں, جن کو نہ کسی ماں کا پتہ ہے نہ باپ کا پتہ ہے, اور جو صرف منمانی پر اترے ہوئے ہیں کہ ہم نے ملک کو تباہ کرنا ہے, کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں. ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ خان اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے, آپ نے ٹھیک کہا. تو یہ تمام معاملات میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ حکومت نے یہ چار بڑے فیصلے کیے ہیں اور اس حوالے سے آگے قانونی کارروائی کی جائے گی, آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے یہ تمام پروسیس پورے کیے جائیں گے اور ان معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا تاکہ آئندہ کوئی سیاسی جماعت ہو, کوئی فرد ہو, وہ آئین توڑنے کا نہ سوچے, وہ ممنوع فورن فنڈنگ لینے کا نہ سوچے, وہ دہشت گردوں سے ملاپ کر کے پاکستان کی فوج پر حملہ کرنے کا نہ سوچے, وہ بیرون ملک بیٹھ کے پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کا نہ سوچے, وہ پاکستان کے دفاعی اداروں پر حملے کا نہ سوچے, وہ فورن فنڈنگ لینے کا نہ سوچے. یہ تمام معاملات, آئی ایم ایف کی ڈیل کو سابوٹاج کرنا, ملک کو ڈیفالٹ کروانا, سائفر سے کھیلنا, آپ نے نہ کہا ہو کہ سائفر سے کھیلنا ہے ہم اپنا کیس واپس لے لیتے ہیں, آپ نے, آپ کے الفاظ ہیں کہ ہم نے کھیلنا ہے, آپ نے سائفر کے ساتھ جو کیا, آپ نے ملک دشمن قوتوں کو تقویت دی اور پاکستان کا نقصان کیا سیاسی فائدے کے لیے. آپ کو آ کے آپ کے جو ایڈوائزر تھے جو اب ملک سے باہر ہیں وہ بتاتے تھے
खान साहब अगर ये नारा लगा देना बड़ा पॉपुलर हो जाएगा मुल्क के अंदर, आप साइफर से खेलें, आप लोगों को कहें कि हम कोई गुलाम हैं। अब अगर हम कोई गुलाम है का नारा लगाया था तो फिर ये रेजोल्यूशन क्यों करवाया और इस पे पैसे क्यों लगवाए और ये अरबों रुपए आपके पास आते कहां से हैं? क्या ईसीपी का डिसीजन मौजूद नहीं है? आपके जराइम की फेरिस्त अगर गिनना शुरू कर दें, फॉरेन फंडिंग से शुरू होती है, आईएमएफ की डील को साबोटाज करना, 9 मई के हमले करना, तोशाखाना का केस, साइफर का केस, आपके खिलाफ इतना मवाद मौजूद है कि किसी सियासी जमात ने किसी एक टेन्योर में इतने जुर्म नहीं किए जितने आपने इन पौने चार साल के अंदर किए हैं। तो ये तमाम कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी कानून और आईन के मुताबिक और आने वाले दिनों में इनके प्रोसेस को मुकम्मल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। देखिए मैं सुप्रीम कोर्ट से मावराए आईन एक फैसला आया और उसके बावजूद आप रिव्यू पिटीशन में जा रहे हैं और सवाल मेरा ये है कि ये जो एमएनए एमपीए उस पार्टी से तल्लुक रखते हैं जिसका भी आपने जिक्र किया उसको बैन कर रहे हैं, क्या आपका बैन करने का ऐलान ये काफी होगा कि उन लोगों को असेंबलियों में उस वक्त तक दाखिले से रोक दिया जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट से सेटल का? बहुत शुक्रिया जी सारे साहब, आप बड़े सीनियर और बड़े मंझे हुए सहाफ़ी हैं। देखिए इस मुल्क की खातिर, रवादारी को फ़रोग देने की खातिर, अफाम व तफीम से मामलात को आगे चलाने की खातिर हमने तहम्मुल से काम लिया, हमने बहुत पेशेंस दिखाई, मगर मैंने जिस तरह पहले कहा कि शायद उस चीज़ को हमारी कमज़ोरी समझा गया कि ये कुछ कर नहीं सकते, तो अब वक्त आ गया है कि तारीख का भी जो है वो तय दुरुस्त सिमत में किया जाए और कुछ इस मुल्क में प्रेसिडेंट सेट किए जाएं, वो बिल्कुल हम उस पर क्लियर हैं। दूसरी बात यह है कि आपका बड़ा अहम सवाल है दूसरा, और मैं ये समझता हूँ कि ये जो बैन लगाने के हवाले से काफ़ी देर से इस पर गौर खौज हो रहा था और इस पर लीगल तैयारी जो है वो काफ़ी हद तक मौजूद है, तो काबीना के अगले इजलास में हो सकता है कि इस केस को लाया जाए और फिर प्रोसीजर फॉलो करते हुए इसको सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाए, तो तब तक हम देखते हैं कि इन एमएनएस के हवाले से क्या कानूनी तौर पे किया जा सकता है, इस पे आपको आगाह करते रहेंगे। यासर मलक दुनिया से। आका साहब एक तो इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बड़े अहम फैसले आप लोगों ने किए, ये बताएं कि जो एक फैदाबाद के मकाम पर सिंगापुर दिल्ली और इस्लामाबाद के एक धरना जारी है पिछले 3 रोज जी, तो क्या ये इन तमाम फैसलों पर अमल दरामद करवाने के लिए धरना चल रहा है? नहीं, देखिए मैं साद रिजवी साहब से इंतज़ामिया के मुज़ाकरात जारी हैं और उनसे बातचीत हुई है, वो फ़लस्तीन की सिचुएशन के हवाले से वो बात कर रहे हैं जो उनका हक है, और देखिए वज़ीर आज़म ने जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास में कहा कि इज़राइल जंगी जराइम का मुर्तकिब हुआ है, कहा कि नस्ल कुशी की जा रही है, कहा कि इज़राइल के खिलाफ एक्शन लिया जाए, ये तमाम बातें मैं चाहता हूँ कि साद रिजवी साहब भी सुने, और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला हम जब उनको ये यकीन दहानी करवाएंगे कि हुकूमत इसमें बहुत आगे जा रही है और अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है और आलमी फोरम्स के ऊपर इस पर बातचीत कर रही है, तो मेरा ख्याल है वो बात समझ जाएंगे। तो वो एक फलस्तीन वाली सिचुएशन के हवाले से है, तो हम उनसे बातचीत की जारी रखे हुए हैं। जवेद हुसैन साहब 92 से। उसमें 8-5 की शरह से वो फैसला था जो 72-75 साल से मुल्क के मसाइल पैदा करने वाले जो लोग हैं जिनके खिलाफ होने चाहिए थे उनके खिलाफ कोई रेफरेंस नजर नहीं आता, तो क्या जो 8 जजेस जो अभी बैठे थे उन्होंने फैसला दिया है उनके खिलाफ भी रेफरेंस दायर करने का कोई इरादा रखते हैं? देखिए मैं जो 4 फैसले किए हैं मैंने वाजे तौर पे बयान कर दिए कि असेंबली तोड़ना तो आईन की खिलाफ वर्जी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है तो वो तो क्लियर आर्टिकल 6 ही है ना, उस पर और तो कोई आर्टिकल नहीं लगता, और ये तमाम केसेस, फॉरेन फंडिंग का केस हो वो फैसला इन फील्ड है कि ममनुआ फंडिंग ली गई है, उसको अभी सेट असाइड नहीं किया गया किसी भी फोरम के हवाले से, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़े मजबूत केसेस मौजूद हैं और इनको बिल्कुल दायर किया जाएगा और काबीना से मंजूरी के बाद किया जाएगा। जो आपका दूसरा सवाल है इस पे मैं कोई कमेंट इसलिए नहीं करता कि जो 4 फैसले थे मैंने आपको बता दी, मजीद इसके अलावा कोई फैसला और नहीं किया गया। नरीम जनजवाद जियो से। अभी
में जो सुप्रीम कोर्ट का गैर मामूली फैसला आया था उसमें जजेस में का एक बड़ा अहम रिमार्क ये भी था कि पीजीआई एक सियासी हकीकत है, आप लोग जब इस पर पाबंदी लगाएंगे तो आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट आपकी राह में बहुत बड़ी रुकावट होगी? देखिए मैं ये समझता हूँ कि या तो फिर किसी को लाइसेंस दे दिया जाए कि वो कत्लो गारत करे, अगवा करे, डकैती करे, चोरी करे और उसको एक हकीकत डिक्लेयर कर दिया जाए। देखिए कानून का इससे कोई ताल्लुक नहीं है और हर किसी का हकीकत देखने का एक अपना जाविया है, अपना लेंस है। तो देखिए इसलिए वो आपने देखा ना कि वो कानून को अंदर क्यों दिखाया जाता है कि ब्लाइंड फोल्ड होता है और उसने जस्टिस के स्केल्स पकड़े होते हैं कि वो फिर सोशल मीडिया नहीं देखता क्योंकि पट्टी होती है, वो ट्वीट्स और उनको नहीं फॉलो करता कि जी ये कौन क्या कह रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक जहन साजी की गई है इस मुल्क के अंदर, इसका इम्पैक्ट हर जगह हुआ है और तासर यही मिलता है कि इसका भी इम्पैक्ट होता है, हर जगह होता है और साइकोलॉजिस्ट इस पर बात करते हैं कि जी जहन इन चीज़ों का असर लेता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा रिव्यू बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमारे कानूनी पॉइंट जो एक रद्दमल आया लोग जो बातें कर रहे हैं और जिस तरह का एक रद्दमल इस फैसले के खिलाफ आया है, चले अगर कोई दरख्वास्त में ऐसी बात होती या उन 80 एमएनएस को सुना गया होता, उनके एफिडेविट मौजूद होते, दरखास्त में ये रिलीफ मांगा गया होता, तो वो अभी सोशल मीडिया पे चल रहा था कि फलां जगह जाएं तो बड़ा कुछ मिलता है, उन्होंने कहा जी फलां जगह चले जाएं बिन मांगे भी मिल जाता। राशिद साहब बहुत शुक्रिया, आपका बड़ा अच्छा सवाल है और मैं समझता हूँ कि आपकी आपका ये एक्सपीरियंस है जिसकी बुनियाद पे आपने ये सवाल किया। देखिए हमारा काम है कि मुकम्मल तैयारी के साथ, कानूनी शवाहिद के साथ, सबूतों के साथ ये रेफरेंस तैयार करके आगे भिजवाना और हम भरपूर इसका दफा भी करेंगे, इसके लिए लड़ेंगे भी और अपना मुकदमा जो है उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कानूनी तौर पे हमने ये स्ट्रांगली आर्ग्यू कर लिया तो हम तो ये अभी भी उम्मीद रखते हैं कि गैर जानबदारी से और मुनसिफाना तरीके से हमारी इन एप्लीकेशंस पर गौर किया जाएगा। रमा शबीर अरब न्यूज़ से। जी मैम देखिए मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने किसी के खिलाफ कोई नाजायज मुकदमा कायम नहीं किया, किसी की इस तरह गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी नहीं किए, लोगों के खिलाफ जो साल हर साल से केसेस पेंडिंग चले आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कुछ के खिलाफ शायद कोई कार्रवाई हुई मेरे इल्म में नहीं है, मगर हैविंग सेड दैट हर कौमी असम्बली के मेंबर को ये आज़ादी हासिल है। आप देखें ना अंदर की भी टूट फूट है, मेरा ये ख्याल है कि जो शेर अफजल मरवत के साथ इनका मामला हुआ, पार्टी के कुछ लोग सस्पेंड हुए, पार्टी में धड़े बने, वो जो एक एम्बेरसमेंट है उसको कवर करने के लिए तासर दिया जा रहा है कि शायद जो है वो विक्टिमाइजेशन हो रही है। तो ये जो आपकी पार्टी में ग्रुपिंग्स हुई हैं, लड़ाई भड़ाई हुई है, अब उसके नतीजे में अगर आप अपनी पार्टी को यूनाइटेड नहीं रख सके तो इसमें हुकूमत का कोई किरदार नहीं है और हुकूमत किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई अमल में नहीं ला रही। तारक अजीम साहब ने उनके लिए जुडिशरी एंड देयर इज अ बर्स लगिंग अगेंस्ट द जजेस, यू थिंक दैट व्हेन यू आर पुशिंग द जुडिशरी एंड द जजेस टुवर्ड द लॉ दे विल बैन पीटीआई? आई एम सॉरी इफ यू कैन प्रेजेंट सम एविडेंस बिकॉज़ दिस इज नॉट अ कोर्ट ऑफ लॉ, इफ यू हैव सम एविडेंस रिगार्डिंग अ मडस्लिंगिंग कैंपेन और रिगार्डिंग एस्पर्शंस बीइंग कास्ट आई विल बी हैप्पी टू रिस्पोंड टू दैट, बट सिंस इट्स अ जेनेरिक क्वेश्चन I don't think we respect the judiciary wholeheartedly and we have a legal right to appeal against those decisions and the government is going to appeal against those decisions. Thank you. Tarak Ali sahab, New TV. Yes, sir. Janab. Ek ye afwah hai, ek khabar phail rahi hai ki Muslim Union ko jo hai, Qaumi Assembly mein largest party nahi rahi, to party ke andar kahe pahe jati hai ki hamein Assembly tod deni chahiye, election mein jana chahiye, ya Punjab hukumat ke liye wafaq tod dena chahiye, iske upar barkhast hai. अगर मेरी पार्टी के कुछ मेंबरान ने आपसे तकलीफ में ये बात की तो मेरे से आके कर ले, हमारे तक ये बात अभी तक नहीं पहुंची और ऐसी कोई राय का इजहार मेरे सामने या पार्टी क़यादत के सामने नहीं किया गया।